सकते हैं कि मैं अभी फारबिसगंज में हूँ। यहाँ का लोकेशन आप लोग को दिखा रहा हूँ, देख सकते हैं कितना भीड़ है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फिर से मेरा यूट्यूब चैनल में दोस्तों स्वागत है। दोस्तों मैं आज जाने वाले हैं मिर्ज़ापुर, जो कि अररिया ज़िला मिर्ज़ापुर है, रानीगंज के साइड में है। तो दोस्तों फिर हम और शिवानंद दोनों भाई निकलते हैं, रेनाटस नोवा जो कंपनी है उसमें जाते हैं हम लोग। थोड़ा सा वहाँ दवाई देना है, फिर वहाँ से कुछ आप लोग को वहाँ का लोकेशन भी दिखाएंगे। तो दोस्तों फिर चलते हैं यहाँ से आगे। तो जो भी भाई अभी मेरा चैनल में बने हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर ले। तो फिर दोस्तों यहाँ से निकल रहे हैं आगे, बने रहिए मेरा वीडियो। दोस्तों देख सकते हैं कि ये सुधील जी है, उधर शिवानंद जी है और ये इंद्रचंद जी है, जो कि अभी सुधील जी और इंद्रचंद जी कुर्सागटा गया था, वहाँ पे कुछ प्लान देखा के और दो तीन ज्वाइनिंग किया है। और इधर हम लोग अभी इधर लोकल में कुछ काम किए हैं, यहाँ से फिर निकलते हैं हम लोग। यहाँ से जाना है हमको मिर्ज़ापुर जाना है, जो रानीगंज के साइड में है। तो पूछते हैं शिवानंद जी से कि कहाँ कहाँ अभी जाना है, प्लान है। अभी तो हम रजला चौक में हैं सर, रजला चौक से निकलेंगे अभी मेहदीपुर होते हुए फारबिसगंज, फारबिसगंज से जो है सैफगंज जाएंगे, सैफगंज से जो है मिर्ज़ापुर जाएंगे। इसके बाद देखते हैं, विचार होगा समय बचेगा तो रानीगंज जाएंगे, रानीगंज से फिर वापस आएंगे घर। हाँ अभी तो फिलहाल तो समय 3 बज गया है, 3 बजे तक मैं अपना लोकल में काम कर लिए हैं, बाहर जा रहे हैं। तो ठीक है दोस्तों, फिर यहाँ से देर नहीं करते हुए पर निकलते हैं आगे। दोस्तों हम रजला चौक से अभी निकल चुके हैं, अब निकल रहे हैं इधर से। पहले फारबिसगंज जाएंगे, मेहदीपुर में होते हुए फारबिसगंज निकलना है, फारबिसगंज से फिर आगे निकलेंगे, साहेबगंज होके जाएंगे मिर्ज़ापुर। दोस्तों बने रहिए वीडियो में, चलते हैं यहाँ से आगे आप लोगों को दिखाने। दोस्तों देख सकते हैं कि मैं पेट्रोल पंप में भी पहुँचा हूँ, क्योंकि पेट्रोल मैं ले लिया हूँ। तो फिर यहाँ से निकलते हैं, फिर आगे चलते हैं यहाँ से, फिर फारबिसगंज के कुछ लोकेशन दिखाएंगे आप लोग को, फिर बने रहिए मेरे वीडियो में। देखते हैं पेगडरा में जो अभी चल रहा है फुटबॉल का टूर्नामेंट, जो यहाँ देख सकते हैं ईटा भट्टा है, पेगडरा है जो कुर्सागटा प्रखंड पड़ता है। जूम करके मैं दिखा रहा हूँ दोस्त, दोस्तों मैं ज़्यादा रे यहाँ टाइम नहीं लूँगा, फिर यहाँ से निकलता हूँ आगे। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि ये सुहास चौक है, जो कि अभी फ़िलहाल मैं सुहास चौक में हूँ। अब रेलवे ढाला से निकल के फिर निकलेंगे। देख सकते हैं दोस्तों कि सुहास चौक में से अभी फारबिसगंज की तरफ हम लोग निकले हैं। आप लोग को फारबिसगंज कुछ दिखाते हैं यहाँ से चलते हुए। देख सकते हैं दोस्तों फारबिसगंज बहुत बड़ा शहर है। तो आप फारबिसगंज से निकलेंगे मेन रोड पकड़ के हम लोग, जो साहेबगंज जाना है हमको। कहते हैं कि मैं अभी फारबिसगंज में हूँ, यहाँ का लोकेशन आप लोग को दिखा रहा हूँ, देख सकते हैं कितना भीड़ है। दोस्तों यहाँ से चलते फिर आगे के कुछ लोकेशन आप लोग को दिखाने के लिए। दोस्तों अभी आप लोग को मैं दिखा रहा हूँ फारबिसगंज का कुछ लोकेशन, जो आप लोग देख सकते हैं काफ़ी भीड़ है फारबिसगंज में, जो कि बहुत लंबा मार्केट है ये फारबिसगंज। समय तो नहीं है दोस्तों, इसलिए मैं पूरा फारबिसगंज नहीं दिखाऊंगा, फिलहाल यहाँ से मैं निकलता हूँ। Thank you.
अभी मैं हॉस्पिटल रोड से निकल के रानीगंज वाला रोड पकड़ेंगे आगे जाके, जो आप लोग को मैं दिखा रहा हूँ अभी, देख सकते हैं। तो अभी मैं हरिपुर चौक से आगे निकल गया हूँ, क्योंकि हरिपुर चौक के बाद पेरवा आएगा, पेरवा से फिर साहेबगंज। चलते हैं दोस्तों आप लोग को दिखाते हुए रास्ता का लोकेशन। दोस्तों देख सकते हैं कि अभी पेरवा चौक का है ये, अभी पेरवा में हूँ। तो पेरवा चौक के चलते चलते लोकेशन आप लोग को दिखा देते हैं। दोस्तों चलते हैं फिर यहाँ से आप साहेबगंज का आपको कुछ लोकेशन दिखाएंगे चलते चलते। फाइनली दोस्तों हम साहेबगंज पहुँच चुके हैं, जो आप लोग को दिखा रहे हैं यहाँ का लोकेशन देख सकते हैं आप।